नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर आपसे पूछा जाए और आपसे जाना जाए कि भैया ईश्वर को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बताएंगे। ध्यान कर लो, मंत्र का जप कर लो, कुछ और कर लो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि भजन और कीर्तन का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिससे ईश्वर को सबसे सुलभता के साथ, सबसे सरलता के साथ पाया जा सकता है। क्या खास है महाभाग्य में भजन कीर्तन के बारे में, चलिए बताते हैं आपको। आज महाभाग्य में बात करेंगे भजन और कीर्तन का अर्थ क्या है। भजन और कीर्तन में अंतर क्या है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। कीर्तन से कैसे आध्यात्मिक और मानसिक लाभ मिलेगा यह भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र कीर्तन का मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो पापों का हरण कर ले, जो अपने भक्त के पापों को चुरा ले, उसको हरि कहते हैं। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र नहीं है, ये कीर्तन मंत्र है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके नृत्य करते हुए झूम झूम कर अगर आप ये मंत्र कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है। और जब नृत्य के साथ कीर्तन में आप उतरते हैं या नृत्य के साथ अगर आप कीर्तन में डूबते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अद्भुत मंत्र है कीर्तन का, जीवन में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये भजन कीर्तन होता क्या है। क्या होता है भाई ये? देखिए, व्यक्ति के जीवन का एक ही सहारा है, एक ही अवलंब है। आप कहने को कहिए मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, दुनिया मेरे दोस्त हैं, ये सब कुछ नहीं है। जीवन का एक ही सहारा है और वही अलग अलग रूपों में आपकी सहायता करता है और उस सहारे को कहते हैं ईश्वर। आपकी पत्नी के रूप में भी वही है, आपके मित्र के रूप में भी वही है, हर रूपों में जो आपके साथ जुड़ा रहता है, जो आपको सहारा देता है, जो गिरतों को थामता है, उसे ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर को कई मार्गों से पाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा आज से नहीं है, प्राचीन काल से, युग युगांतर से, जब से मानव का प्राकट्य हुआ इस सृष्टि में, मानव ने ईश्वर को पाने की चेष्टा की है, लगातार प्रयास किया है। हमारे वेद, उपनिषद, वेदांग और वेदांत तमाम इस बारे में सूचना देते हैं कि ईश्वर को पाने के अलग अलग मार्ग हैं। कोई कहता है कि ईश्वर मिलते हैं ज्ञान से, ज्ञान योग। कोई कहता है ईश्वर मिलते हैं कर्म से, कर्मयोग। और कोई कहता है ईश्वर मिलते हैं भक्ति से, यानी भक्ति योग। सच्चाई यह है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल है। आप ईश्वर को डर कर भी पा सकते हैं, घृणा से भी पा सकते हैं। कंस ने क्या किया? कंस कृष्ण से डरता था और इस चक्कर में दिन भर वो कृष्ण को ही याद करता था। मरने के बाद उसको भी कृष्ण ही मिले, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण से बाहर चला गया। लेकिन उसका तरीका जरा कठिन था कि भगवान से डर डर के कहीं मुझे कृष्ण मार न दे, भय में आकर के भगवान को याद करता था, लेकिन करता तो था। रावण दिन में हजारों बार राम का नाम लेता था, भले ही शत्रु भाव से लेता था, लेकिन नाम तो राम का ही था ना, इसलिए मृत्यु के बाद राम की प्राप्ति हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप ईश्वर से चिढ़ कर भी, घृणा कर भी ईश्वर को पा सकते हैं, ये बात जाने रहिए। लेकिन जिस रास्ते पे आनंद भी मिले, बढ़िया ट्रेन में जा रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, खाने को भी मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है, यात्रा बड़ी सुखद हो जाती है ना। भक्ति का जो रास्ता है वो आनंद का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जिससे ईश्वर मिलेगा इस बात की गारंटी है। ज्ञान से मिलेगा कि नहीं पता नहीं, कर्म से मिलेगा कि नहीं पता नहीं,
लेकिन भक्ति से ईश्वर जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और ये रास्ता कठिन कठिन रास्तों की तुलना में सरल है और ज्यादा रसपूर्ण है, ज्यादा भावनात्मक है। भक्ति और एकाग्रता लाने के लिए भक्ति लाना भी कोई मजाक नहीं है। आपको बताया था ना कौन हो सकता है भक्त। तो भक्ति लाने के लिए और अपने मन को एकाग्र करने के लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है। क्योंकि मन का क्या है, आप आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठे, आपको पिक्चर के सीन दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि परसों झगड़ा हुआ था उसका परिणाम क्या होगा, यानी आंखें बंद हुई दुनिया की उलूल जुलूल बात आपके दिमाग में आने लगी। कारण यह होता है कि 24 घंटे उलूल जुलूल बात सोचेंगे तो जब आंख बंद करेंगे तो उलूल जुलूल बात ही आएगी ना। 24 घंटा ईश्वर को सोचते तो है नहीं। तो मन को एकाग्र कर पाना या मन में भक्ति ला पाना बड़ा कठिन होता है और इसके लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन, कीर्तन और स्मरण। भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से और भगवान का स्मरण करने से आपके मन में भक्ति आती है और आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है, ज्यादा बेहतर होता है। भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। आपको मान लिया पूजा करनी है, मंत्र जप करना है या आपको ध्यान लगाना है, उसके पहले 5 मिनट अगर आप भजन कर लें, 5 मिनट कीर्तन कर लें तो मन बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, मन की निगेटिविटी नीचे रह जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जब आप पूजा करते हैं, उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो तुरंत फलदायी हो जाती है, तुरंत फलीभूत हो जाती है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मैं बैठ ही नहीं पाता हूं, या मन में तमाम बुरे विचार आते हैं, उनको मैं कहूंगा कि पूजा के पहले, ध्यान के पहले 2 मिनट 4 मिनट का भजन कीर्तन जरूर करें ताकि मन कॉन्सेंट्रेट हो सके। भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से आपको रोगों से मुक्ति दिलाई जा सकती है और मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति दिलाई जा सकती है। भजन और कीर्तन इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए आप देखें कि तकरीबन हर धर्म में और हर परंपरा में संगीत का स्थान है, हर धर्म में है। आप किसी भी धर्म को या संप्रदाय को नहीं कह सकते जहां पर कोई संगीत नहीं है, जहां पर कोई भजन नहीं है, जहां पर कोई कीर्तन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे अपने धर्म की बात करें, चाहे दूसरे धर्म की बात करें, हर धर्म में संगीत के माध्यम से या भजन कीर्तन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना जरा आसान है, जरा रसपूर्ण है। इसीलिए कहा गया कि भजन कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईश्वर तक पहुंचेंगे वो बात तो ठीक है ही, आपको रोगों से और मानसिक बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त होगी। अब ये जानते हैं कि भजन और कीर्तन में अंतर क्या है। भजन और कीर्तन हम लोग कहते हैं ना कि भाई उनके घर में भजन कीर्तन हो रहा है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या अंतर है? भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े दयालु हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा है, बड़ी तारीफ है, ये कहता है, भजता है भगवान को कि तुमसे महान कोई नहीं है। बात ठीक है, लेकिन भजन में व्यक्ति ईश्वर के गुणों का स्मरण करता है। भजन का प्रभाव सामान्य होता है। कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर की प्रशंसा नहीं करता, ईश्वर का नाम एक मंत्र की तरह जपता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम जप रहा है। यह नहीं कह रहा है कि कृष्ण तुम ही हो सब कुछ, तुम ही सबसे बढ़िया हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। जब बात प्रशंसा की होती है, जब बात भगवान के गुणों की होती है, तो वो होता है भजन। तुम बड़े करुणा सागर हो, मेरे ऊपर दया करो, ये भजन है। और जब हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान के नाम को नृत्य के साथ और संगीत के साथ उस नाम में लीन हो जा रहे हैं, तो इसको कीर्तन कहते हैं। और कीर्तन का प्रभाव अद्भुत होता है। आपने भजन किया, भजन के बाद पूजा ना भी करें, उपासना ना भी करें, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कीर्तन के बाद उपासना जरूरी होती है। क्योंकि कीर्तन करने से आपका मन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि बहुत जल्दी वो नीचे आ सकता है, इसलिए मन ऊंचाई पर रहे, उसी समय में भगवान का मंत्र जप लें, ध्यान कर लें, तो मन हमेशा बेहतर बना रहता है। भजन एक गीत की तरह है,
एक संगीत की बात है, भजन भी बहुत पवित्र है, बहुत नमस्कार है भजन को। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन का मतलब किसी मंत्र का उच्चारण है। कीर्तन में कोई मंत्र दे दिया आपको, कृष्ण का ही मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माने छंदों में गा गाकर केवल नाम ले रहे हैं, भगवान का मंत्र जप रहे हैं, वो कीर्तन है। और भजन मतलब आप गाना गा रहे हैं, तमाम भजन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, मीरा के भजन है, कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब भगवान के नाम मंत्र का जप करना, वो कीर्तन होता है। तो भजन और कीर्तन का अंतर मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। अब ये जानते हैं कि भजन कीर्तन की महिमा क्या है। भाई देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए, उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जितने लोगों के साथ जितने लंबे समय तक आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव तरंगे पैदा होंगी, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होंगे और उसका फायदा होगा। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। कीर्तन के साथ नृत्य का होना बड़ा जरूरी है कि आप इतने लीन हो गए। वो कहते हैं ना कि भैया कीर्तन करते नाचने लगते, नाचते नहीं है कीर्तन में, कीर्तन करते करते इतने लीन हो जाते हैं कि भगवान के नाम पर नाचने लगते हैं, फिर उनको होश नहीं रहता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कीर्तन इतनी जादुई चीज है, और कीर्तन अगर सही तरीके से किया जाए तो बड़े बड़े रोगों से, बड़े बड़े मानसिक बीमारियों से छुट्टी मिल सकती है। शिव जी ने और पार्वती जी ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने जिस नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया, जिस नृत्य का आविष्कार किया, उसे कहते हैं तांडव। और मां पार्वती ने जिस नृत्य का आविष्कार किया, उसे कहते हैं कौशिकी। तो भगवान शिव और मां पार्वती ने नृत्य की अलग अलग विधाएं बताई, जिसको कीर्तन के साथ करने से इसके बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं, और इन कीर्तनों को और नृत्य को करने से रोग और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है, यह गारंटी है भगवान की कि भगवान वहां जरूर रहते हैं। नारद भगवान विष्णु के बड़े परम शिष्य हैं, आप जानते हैं। एक बार नारद पहुंचे विष्णु भगवान के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, कभी वैकुंठ में रहते हैं, कभी पृथ्वी पर रहते हैं, कभी आकाश में रहते हैं, आप कहां पर जरूर रहते हैं, परमानेंटली आप कहां रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगिनाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जो योगी मेरा ध्यान करते हैं उनके हृदय में भी नहीं रहता, फिर कहां रहता हूं, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, वहीं रहता हूं मैं नारद। तो जहां भगवान का गान होता है, भगवान के नाम मंत्र कहे जाते हैं, वहां भगवान जरूर रहते हैं, इस बात की गारंटी है। किसी घर में या स्थान में अगर आप नियमित रूप से कीर्तन करते हैं तो उस घर की तमाम निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। जो लोग कहते हैं मेरे घर में भूत रहता है, प्रेत रहता है, पिशाच रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसे घरों में अगर नियमित रूप से कीर्तन किया जाए तो उस घर की निगेटिव एनर्जी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, ये भूत पिशाच सब गायब हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि कीर्तन कैसे करेंगे ताकि मानसिक रूप से फायदा हो, आत्मिक रूप से फायदा हो, मन की चिंताएं दूर हों, मन की बीमारियां दूर हों, और ईश्वर की कृपा वास्तव में महसूस हो सके। कैसे करेंगे? रोज पूजा उपासना के पहले, आप कोई भी पूजा करते हो, आप ध्यान करते हो, आप मंत्र जपते हो, आप जैसी भी पूजा करते हो, लेकिन पूजा उपासना के पहले कम से कम 5 मिनट या 4 मिनट आपको कीर्तन करना चाहिए। और जब कीर्तन करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके कीर्तन करेंगे, यानी आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। और इसके बाद भगवान का नाम लेते हुए जो नाम मंत्र आपको बताया गया है उसका स्मरण करते हुए कीर्तन करें। जैसे मैंने आपको कीर्तन का एक मंत्र बताया, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कहते हुए कीर्तन करें तो भी बहुत अच्छा है। और कीर्तन जब खत्म हो जाए तब अपनी साधना या आराधना या पूजा शुरू करें।
जिस भी मंत्र के साथ कीर्तन करते हैं या जिस लाइन के साथ कीर्तन करते हैं, गा गा कर कीर्तन करें, रूखे सूखे नहीं। आपको गाना जैसा भी आता हो, आप कीर्तन गाइए और कोशिश करिए कि उसके साथ नृत्य कीजिए, उसमें लीन हो जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर आपको पूरा पूरा कीर्तन का फायदा मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मेरे मन में गंदी चीजें आती हैं, या मेरा मन अच्छा नहीं रहता है, या मुझे डिप्रेशन है, तनाव है, उनके लिए कीर्तन एक राम बाण औषधि है अगर इसका प्रयोग किया जाए तो। तो भजन और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप भजन करके भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन भजन करके ज्यादातर आपका जो मन है वो थोड़ा बेहतर तो होता है, लेकिन उतना बेहतर नहीं होता जितना कीर्तन से होता है। भजन में आप नृत्य न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कीर्तन में चूंकि मंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए कीर्तन करना हर हिसाब से, हर लिहाज से ज्यादा फलदायी है।